हाय फ्रेंड्स मो तपन आपण मानक स्वागत करुछि ओडिशा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को। तो आज हम डिस्कशन करबा ओडिशा फायरमैन पई कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो एटा होछि 5 नंबर पार्ट। आगरु 4टी पार्ट अपलोड होई सारिछि, जो माने देखिनांती प्लेलिस्ट रे वीडियो जे देखि परिबे। तो एमिति प्रश्न आपण मानक परीक्षा रे देखिया पई मिलिबो, सेति पई वीडियो को स्किप न करी शेष जाय देखिया पई चेष्टा करिवे। तो देखंतु सिलेक्शन पाइबा पई हेले आपण मानकु सबदिन पाठ पढ़िया पई पड़िबो। पाठ एमती गोटे जिनस आपण मानकु सबदिन पढ़िया पई पड़िबो। आपण माने भाबुचंती कि एग्जाम आसले पाठ पढ़िबे, सेमिति हेले सिलेक्शन केबे भी होबनी। सेति पई सबदिन पाठ पढ़ंतु, सिलेक्शन नै कि जिवे। थरे सिलेक्शन पाई गले आपण मानक लाइफ चेंज होई जिवो। तो लेट करिबा नै, चलंतु क्लास स्टार्ट करिबा। आजर प्रथम क्वेश्चन टे कोन रहिछि, इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट WWW स्टैंड्स फॉर। तो इंटरनेट रे WWW रो फुल फॉर्म कौन? बहुत इजी क्वेश्चन रही। ए क्वेश्चन पढ़ले आपण माने प्रश्न छाड़ी आसबे नहीं, ठीक अछि। तो एक नंबर राइट आंसर कौन हो? प्रथम रही वर्ल्ड वाइड रेस्टलिंग किछि नुह, वर्ल्ड वाइड वेब हो, वर्ल्ड वाइड वाडस्टर नुह, वर्ल्ड विदाउट मध्य किछि नुह। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। WWW रो फुल फॉर्म होछि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, मन रखी दिंतु, एग्जाम पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आसो आपण माने हिट करके पलैबे। तापर होछि ए निबिल इज इक्वल टू बिट्स। तो 1 निबिल इक्वल टू केते बिट्स पचारि छि, एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत थोर एग्जाम रे आससारि छि। तो 1 निबिल इक्वल टू केते बिट हिजिबो? 4 बिट हिजिबो, ठीक अछि। 1 निबिल इक्वल टू 4 बिट्स। तो एटा मध्ये इंपोर्टेंट रहिछि, आपण माने नोट कर नियंतु, ठीक अछि। तापर रही फुल फॉर्म पर क्वेश्चन रही, कार्ड स्टैंड्स फॉर। कार्ड रो फुल फॉर्म कौन? प्रथम रही कंप्यूटर ऑटोमेटिक किसी आसबनी, कंप्यूटर एडेड डिकोड नुह, कंप्यूटर ऑटोमेटिक नुह, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आसो, ठीक अच्छे। कार्ड रो फुल फॉर्म हो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तापर 4 नंबर कौन रही, प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। तो क्वेश्चन ले कौन पचारिछि ना, कौ प्रिंटर एक समय रे गुटे रु अधिक कैरेक्टर प्रिंट करि परिबो नाही। तो 4 नंबर आंसर कौन हिजिबो? डॉट मैट्रिक्स, लेजर लाइन डैजी व्हील। ए तीनोटी प्रिंटर एक समय रे गुटे रु अधिक कैरेक्टर प्रिंट करि परिबे, किंतु डॉट मैट्रिक्स ए प्रिंटर टा एक समय रे गुटे रु अधिक कैरेक्टर प्रिंट करि परिबो नाही। तापर रही द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कहुए? आंसर हो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहुए। तापर रही व्हिच एप्लिकेशन इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द इनफॉरमेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट रे इनफॉरमेशन एक्सेस करिया पई कोन एप्लिकेशन यूज होई थाई? देखिबा केते जण यार राइट आंसर दे पारुछंती, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रही। 6 नंबर आंसर कौन हो? वेब ब्राउजर, ठीक अच्छे। तो इंटरनेट रे इनफॉरमेशन एक्सेस करिया पई हमें वेब ब्राउजर एप्लिकेशन यूज करी थाउ ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तापर रही अनसॉर्टेड ट्रांजैक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू इमीडिएटली अपडेट डाटाबेस इज कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन ले कौन पचारिछि ना, गोटे डाटाबेस रो इमीडिएट अपडेट पई जो अनसॉर्टेड ट्रांजैक्शन यूज होता है ताको कौन कहुए? आंसर जो डायरेक्ट डाटाबेस एक्सेस, ठीक अच्छे। गोटे डाटाबेस रो इमीडिएट अपडेट पई जो अनसॉर्टेड ट्रांजैक्शन यूज होता है ताको जे डायरेक्ट डाटाबेस एक्सेस। तापर रही व्हिच इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ ए पिक्चर फाइल ऑन ए कंप्यूटर। तो गोटे कंप्यूटर रो पिक्चर फाइल रो एक्सटेंशन कोटा नुहे पचारिछि, देखिबा केते जण यार राइट आंसर दे पारुछंती। आंसर जो डॉट एमडीबी, ठीक अछि। डॉट एमडीबी टा होउची गुटिए इज ए डाटाबेस फाइल, यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक अछि। यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओके। तो देखंतु जो रहिछि डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जीआईएफ, ए तीनोटी होउची कंप्यूटर गुटे गुटे पिक्चर फाइल रो एक्सटेंशन, किंतु डॉट एमडीबी टा कंप्यूटर रो पिक्चर फाइल रो एक्सटेंशन नुहे। डॉट एमडीबी टा होची गुटे डाटाबेस फाइल जोंटा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस द्वारा यूज होता है। तापर रही इन एचटीएमएल टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विदिन। तो एचटीएमएल रे जो टैग गुड़ी रही था तो सहीटा कौन ब्राकेट मध्य रही था यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन रही है। आंसर जो एंगुलर ब्राकेट्स ठीक अच्छे एमती एंगुलर ब्राकेट मध्य एचटीएमएल रे टैग रही था। ओके तापर रही द वेस्ट जनरेटेड बाय पर्सनल कंप्यूटर्स इज नोन एज। पर्सनल कंप्यूटर द्वारा जो वेस्ट जनरेट होता है कौन कहुए यहाँ गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आंसर जो ई वेस्ट ठीक अच्छे पर्सनल कंप्यूटर द्वारा जो वेस्ट जनरेट होता है ई वेस्ट कहुए। तो जो मैंने जानते वीडियो को स्किप करके जाइपारे तो देखो ओडिशा फायरमैन टेलीग्राम रे गोटे पेड ग्रुप क्रिएट करी जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा जॉइन हो पारे। तो ये आपको डेली 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिल आपण सिलेबस जहाँ भी मेंशन रही सबुथ 10टी लेखाएं क्वेश्चन आपण प्रैक्टिस करने मिल सहित एग्जाम पूर्व मुझे 10टी फुल मॉक टेस्ट सहित तार सॉल्यूशन प्रोवाइड करी। तो देखो फुल मॉक टेस्ट देले आपण कॉन्फिडेंस बढ़िबो ठीक अच्छे। तो आपण माने ए जो फुल मॉक टेस्ट देवे आपण माने जानि परिबे आपण माने केते प्रिपरेशन करिसंती। तो सेति पई फुल मॉक टेस्ट बहुत इंपोर्टेंट रही। तो एथिरे जॉइन हेबा पई हेले प्राइस रही 59 टंका। एठी जो नंबर टी शो करूची ए नंबर रे आपण माने फोन पे नहले गूगल पे रे पेमेंट करि देबे। नेम आसी तपन कुमार बेहेरा। पेमेंट करि सरिबा परे तार स्क्रीनशॉट आपण माने ए नंबर व्हाट्सएप रही पठेई देबे। तो स्क्रीनशॉट पठाई सारे पर मुझे से ग्रुप रो लिंक देदेवि आपण माने जॉइन हो जाए। तो कहीं भी कॉल करेंगे ना जहाँ भी डाउट रही है ए नंबर व्हाट्सएप रे आपण माने पचारि परिबे ठीक अच्छे। तो आउ गोटे कथा जो मैंने आगुरी आमर करेन्ट अफेयर नहीं तो से 35 टंका कि 20 टंका जब पे करें 59 टंका माइनस करके पे करेंगे। आ जो मैंने करेन्ट अफेयर नहीं ना से फुल 59 टंका पे करेंगे ठीक अच्छे। तो देखो टेलीग्राम रे एमती क्वेश्चन आसो आमती ऑप्शन आसो तो ये टाइमिंग शो कर तो ये ऑप्शन मध्य जोटा आपको ठीक लगे आपने से क्लिक करेंगे सांगे सांगे जना पड़ज सहीटा ठीक कि भूल। तो जेतुटी क्विज थी सब कंप्लीट हो गला आपण मैंने केतोटी ठीक करते भूल करते छाड़ी तापर जिते जन भी क्विज देते आपण रैंक के शो कर ठीक अच्छे। तो ये ट्राई एगेन रे क्लिक करके आपने आउ थे क्विज दे पारे। तो फाइनाली ये क्विज आमर 18 तारीख मैंने आज स्टार्ट हो जाइए। तो जो माने भी इंटरेस्टेड अच्छा फटाफट जॉइन हो जातु एवं प्रिपरेशन को आगो को नहीं जातु। ओके तापर फुल फॉर्म पर क्वेश्चन रही 11 नंबर कौन रही डीवीडी रिफर्स टू। डीवीडी रे फुल फॉर्म कौन डीवीडी रे 2टा फुल फॉर्म रही ठीक अच्छे। आंसर जो डिजिटल वीडियो डिस्क आ गोटे डिजिटल वर्साटाइल डिस्क ठीक अच्छे वर्साटाइल डिस्क। तो ऑप्शन रे आपण माने देखिबे ए दुईटार कोनटा रही क्लिक करेंगे। डिजिटल वीडियो किसी आसवनी डेवलपर डिजिटल वीडियो डेवलपर नुहे तब डिजिटल वीडियो डिवाइस भी नुह नन अफ दि तो नुह। डीवीडी फुल फॉर्म होची डिजिटल वीडियो डिस्क हो पार ना डिजिटल वर्साटाइल डिस्क हो पार डिपेंड करे ऑप्शन रे दुईट रू कौन रही। तापर रही इन एमएस डॉस द प्राइमरी फाइल नेम कैन कंटेन अप टू कैरेक्टर्स। एमएस डॉस रे प्राइमरी फाइल नेम केते कैरेक्टर मध्य रे हो पार। तो 12 नंबर आंसर कौन हो 8 ठीक अच्छे। एमएस डॉस रे प्राइमरी फाइल नेम 8 कैरेक्टर पर्यंत हो पार। ओके तापर रही इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड। प्रोग्रामिंग रे किसी स्टेटमेंट रिपीट होगा कौन कहुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो 13 नंबर आंसर हो लूपिंग। प्रोग्रामिंग रे किसी स्टेटमेंट रिपीट होगा कहुए लूपिंग। ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा एग्जाम रे आसी सारी तो इंपोर्टेंट रही मन रखी दिंतु। तापर रही ए ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर। ब्राउजर हूँ गोटे सॉफ्टवेयर तो तार द्वारा कौन होता है आपण मैंने समस्ते ब्राउजर यूज करी थांती। तो तार काम कौन आंसर हो टू सर्च फॉर वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। इंटरनेट रे वेब पेज सर्च करिवार काम होची ब्राउजर। ओके तो जो मैंने वीडियो को लाइक करना फटाफट लाइक कर दिंतु और सब सांग मान सहित शेयर कर दिंतु। लाइक करेंगे वीडियो बनाने मोटिवेशन मिलता है ठीक अच्छे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पूरा उड़े दिंतु। तापर रही इन एमएस वर्ड रिप्लेस ऑप्शन कम्स अंडर द मेनू। एमएस वर्ड रे रिप्लेस ऑप्शन टा को मेनू अंडर रही था। तो 15 नंबर आंसर कौन हो एडिट। एमएस वर्ड रे रिप्लेस ऑप्शन एडिट मेनू अंडर आसी थाई। तापर पुणी फुल फॉर्म पर क्वेश्चन पचारि आउ इजी क्वेश्चन रही सीपीयू रो फुल फॉर्म पचारि आंसर कौन हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल किसी आसबनी सेंट्रल प्रोग्राम किसी नुह कंट्रोल भी नुह तो सीपीयू रो फुल फॉर्म होची सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके तापर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर तो ये चारोटी मध्य इंपैक्ट प्रिंटर कौनटा पचारि आंसर हो डीआजी व्हील प्रिंटर। डीआजी व्हील प्रिंटरटा गोटे इंपैक्ट प्रिंटर तापर रही आइडेंटिफाई द ऑड टर्म एमंगेस्ट द फॉलोइंग ग्रुप्स तो ये चारोटी मध्य ऑड कौनटा बाछिया कही आंसर कौन हो ना माइक्रोवेव्स तो देखो तो जो रही कोएक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर और ट्विस्टेड पेयर वेयर ए तीनोटी वेब ट्रांसफर पर मीडियम दरकार होता है मीडियम दरकार होता है किंतु माइक्रोवेव रे वेब ट्रांसफर पर मीडियम दरकार न था ठीक अच्छे नो मीडियम तो ये ऑड कौनटा हो ऑप्शन नंबर ए माइक्रोवेव्स और 18 नंबर राइट आंसर हो माइक्रोवेव्स ठीक अच्छे तापर रही टेलनेट इज ए टेलनेट गोटे कौन ब्राउजर प्रोटोकॉल गेटवे ना सर्च इंजिन 19 नंबर आंसर हो प्रोटोकॉल टेलनेट हो गोटे प्रोटोकॉल तापर रही द टर्म ओडीबीसी स्टैंड्स फॉर ओडीबीसी रो फुल फॉर्म पचारि देखो आपण मानकर एग्जाम रे फुल फॉर्म पर गोटे दुईटी क्वेश्चन आसीबो सेथिपाई मु फुल फॉर्म पर किछि क्वेश्चन कवर करिछि ओके तो 20 नंबर आंसर कोन हिजिबो प्रथम रही ऑब्जेक्ट डाटाबेस ऑब्जेक्ट किछि आसीबोनी ओपन डाटाबेस कम्युनिकेशन नुहे ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी ठीक अछि ऑब्जेक्ट भी किछि नु तो ओडीबीसी रो फुल फॉर्म होछि ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी 20 नंबर सी होज राइट आंसर तापर रही बोथ द एएलयू एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पज स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड तो क्वेश्चन कौन पचारि ना उभय एएलयू एवं कंट्रोल सेक्शन रे स्पेशल पर्पज स्टोरेज लोकेशन रही तो ताकू कौन कहुए आंसर जो रजिस्टर्स ओके तो उभय एएलयू एवं कंट्रोल सेक्शन रे जो स्पेशल पर्पज स्टोरेज लोकेशन रही ताकू रजिस्टर कहुए तापर रही ए ट्रांसलेटर फॉर द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज तो असेंबली लैंग्वेज को जी मशीन लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करी था कौन कहुए एसेम्बलर कहुए ठीक अच्छे एसेम्बलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करी था 22 नंबर ए जो राइट आंसर तापर रही व्वेर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड इंडिया सुपर कंप्यूटर परम कौन अवस्थित तो ये क्वेश्चन मुझे आगुरी कर सारी तो रिपीट क्वेश्चन तो समस्त क्वेश्चन ठीक होगा दरकार ठीक अच्छे 23 नंबर आंसर हो पुणे तो इंडिया सुपर कंप्यूटर परम पुणे अवस्थित ए क्वेश्चन मध्य इंपोर्टाट रही आपण मानू मन रखापी पड़ो तापर रही द एक्सपेंशन ऑफ आरडीबीएमएस इज आरडीबीएमएस फुल फॉर्म पचारि 24 नंबर आंसर कौन हो प्रथम रही रिपेयरेबल किसी नुह रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आस ठीक अच्छे रिलेशनल किसी नुह रिक्वेरिंग भी नुह आरडीबीएमएस फुल फॉर्म होची रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 24 नंबर बी हो राइट आंसर तापर 25 नंबर कौन रही ए बग इन ए प्रोग्राम इज तो गोटे प्रोग्राम रो बगटा कौन आंसर जो एरर प्रोग्राम रो बग होची गोटे एरर ठीक अच्छे तापर रही द कंप्यूटर प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन ए रोम आर कॉल्ड तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम रोम रे स्टोर होता है कौन कहुए 26 नंबर आंसर हो फार्मवेयर ठीक अच्छे रोम रो फुल फॉर्म होची रीड ओनली मेमोरी ओके तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम रोम रे स्टोर होता है कहुए फार्मवेयर ठीक अच्छे तापर रही द फाइल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एमएस एक्सेल इज एमएस एक्सेल स्टार्ट करने पे कौन फाइल रेस्पॉन्सिबल होता है आंसर हो एक्सेल डॉट ईएक्सई ठीक अच्छे एमएस एक्सेल स्टार्ट करिया पई एक्सेल डॉट ईएक्सई फाइल रेस्पॉन्सिबल होता है तापर रही आइकन सर डैश कमांड्स आइकन गुड़ी को कौन कमांड 28 नंबर आंसर कौन जो पिक्चर कमांड आइकन गुड़ी को पिक्चर कमांड तापर कौन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमएस डॉस एक्सटर्नल कमांड निम्नलिखित मध्य कौनटा एमएस डॉस एक्सटर्नल कमांड पचारि आंसर जो फॉर्मेट फॉर्मेट होची MS-DOS एक्सटर्नल कमांड तापर रही एन एड्रेस कनसीस्ट सब तो गोटे एड्रेस रे कौन कौन रही थाई 30 नंबर आंसर कौन हो ऑल ऑफ द अबव ऑफसेट बेस रजिस्टर आउ इंडेक्स रजिस्टर तो तीनोटी जाक गोटे एड्रेस रही थाई से आंसर हो ऑल ऑफ द अबव। तापर रही इन सी लैंग्वेज द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर शुड बी प्रिसीडेड बाय द सिंबल तो सी लैंग्वेज रे फॉर्मेटिंग कैरेक्टर पूर्वर कौन सिंबल रही थाई ए क्वेश्चन टी आपण मानक होमवर्क दउछि ए क्वेश्चन आंसर टी आपण मानक कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया पे पड़िबो। तो आज रे मोर वीडियो टी आपण मानक बहुत हेल्पफुल हेथिबो वीडियो टी भल लागितले गोटे लाइक करिवे सांग मानक शेयर करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबेनी।